महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम उपाय भले ही हो, लेकिन लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला शहडोल जिले से सामने आया है, जहां एक महिला के साथ एक होटल के मैनेजर ने दुष्कर्म किया। फिर उसके बाद उसके साथी ने अपने सूने घर में बंधक बनाकर 11 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। मौका पाकर महिला किसी तरह इनके चंगुल से निकली और पूरी घटना की जानकारी कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली में हमारे कल घटना घटी है। सीधी की एक महिला ने आरोप लगाया है। यहाँ के दो व्यक्ति हैं, नालंदा होटल में कोई काम करते हैं, अजय उपाध्याय जी शायद वो मैनेजर हैं वहाँ के, और उनके एक मित्र हैं दीपक श्रीवास्तव। उन लोगों ने इस महिला के साथ में पहले तो नालंदा होटल में और उसके बाद एक और जगह है कॉलोनी में, वहाँ पर उनके साथ में गलत नीयत से गलत हरकत करी है, और जो जिस पर से अपराध 782/2020 धारा 376D, 506, 344, 347 IPC का पंजीबद्ध हुआ है, और उस अपराध पर हमने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।